दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही अच्छी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत और बांग्लादेश के एनर्जी सेक्टर में लगातार बढ़ती साझेदारी को लेकर है, जिससे अब भारत चीन के प्रभाव को बांग्लादेश में कम करने के लिए कई बिलियन रुपए निवेश कर रहा है, ताकि हम बांग्लादेश को चीन की तरफ बढ़ने से रोक सके और हमारा ये महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भारत पर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा भरोसा कर सके, जो दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अच्छा होगा। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत और अमेरिका के बीच साइन हुए एक बड़े एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत दोनों देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पार्टनरशिप का विस्तार करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में मिलकर काम करने को हामी भर चुके हैं, जो चीन को काफी ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि जो देश इस महत्वपूर्ण सेक्टर में एक तरफा राज करेंगे, दुनिया के अरबों डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी इन्हीं देशों के कब्जे में होगा, जिस वजह से भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ से निकलकर रही खबर से। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साउथ एशिया में मौजूद देश यूरोप और मिडिल ईस्ट के मुकाबले काफी कम विकसित हैं, और अगर इन सभी दक्षिण एशियाई देशों में ध्यान से देखें तो सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो साउथ एशिया का लीडर बन सकता है, और अब अपनी इसी भूमिका को निभाने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत कुछ सालों पहले ही भारत ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया था, और अब इसी पॉलिसी पर काम करते हुए भारत ने बांग्लादेश को 3.5 बिलियन रुपए का एक विशालकाय प्रोजेक्ट का तोहफा दे दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं 130 किलोमीटर लंबे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की, जो दोनों देशों के बीच डीजल और ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का मुख्य जरिया बनेगा। बता दें कि इस पाइपलाइन को बनाने के लिए भारत ने 3.46 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। वहीं पर इस 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में 125 किलोमीटर बांग्लादेश में तो 5 किलोमीटर भारत में मौजूद है। ये पाइपलाइन बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आज तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद अब बांग्लादेश को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि डीजल और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट के लिए बांग्लादेश चीन पर काफी हद तक निर्भर करता था, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, क्योंकि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी देश को दूसरे देश पर निर्भर बना सकता है। ऐसे में अगर भारत चीन का प्रभाव बांग्लादेश में ऐसे ही बढ़ने देता है तो ये हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, जिसकी वजह से भारत ने तुरंत कदम उठाते हुए बांग्लादेश के साथ इस कई बिलियन रुपए के पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, और अब इसे 18 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली इनॉग्रेट किया जाएगा। वहीं पर इस पाइपलाइन के सफलतापूर्वक इनॉग्रेट होने के बाद हर साल इससे 10 लाख मैट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को सप्लाई किया जा सकेगा, जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साथ ही बता दें कि इस पाइपलाइन के लिए डीजल और दूसरे ऑयल प्रोडक्ट की सप्लाई असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से की जाएगी। ऐसे में आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही अपने द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, जिसके तहत डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दोनों ही लेवल पर भारत बांग्लादेश की पार्टनरशिप काफी तेजी से विकास कर रही है, और इसका फायदा हमें आने वाले समय में दोनों देश में तेजी से होने वाले आर्थिक और सामाजिक विकास के तौर पर मिलेगा। साथ ही इससे हम चीन के बढ़ते प्रभाव को भी काउंटर करेंगे, जो हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब दोनों देश चीन को काउंटर करने के लिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। बता दें कि इस एग्रीमेंट को दिल्ली में हो रहे इंडिया यूएसए कमर्शियल डायलॉग के दौरान साइन किया गया, जिसके तहत इस महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जीना और भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अपने हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच साइन हुए इस महत्वपूर्ण एमओयू का मुख्य मकसद सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सप्लाई लाइन को स्थापित करना है, ताकि आगे जाकर जब इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए इन्वेंशन किए जाएंगे, तब भारत और अमेरिका के पास सेमीकंडक्टर की एक सुरक्षित और मजबूत सप्लाई लाइन मौजूद हो, जो दोनों देशों के टेक्नोलॉजी सेक्टर को सपोर्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ताइवान एक तरफा राज करता है, लेकिन चीन भी इस सेक्टर में कुछ खास पीछे नहीं है। ऐसे में भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल फाइटर जेट के कंप्यूटर से लेकर सभी के पास मौजूद स्मार्टफोन में भी होता है, जिस वजह से भारत और अमेरिका दोनों ही सेमीकंडक्टर के महत्व को समझते हैं और इस टेक्नोलॉजी में साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि दोनों देशों का काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।